अगर आप किसी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम हैं, जैसे चाहे वो वर्क फ्रॉम होम स्कैम हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो, सेक्सटॉर्शन स्कैम हो, या ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुआ हो, कोई भी तरीके का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है, तो सबसे पहले चीज़ जो हर विक्टिम जानता है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं। लेकिन केवल ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करने से आगे मामले में कुछ नहीं होता। आपने एक वेल ड्राफ्टेड हर एक चीज़ की डिटेल्ड पुलिस कंप्लेन ढंग से दर्ज करनी लोकल पुलिस स्टेशन में बहुत ज़रूरत है। और उसके आगे सबसे ज़्यादा पैसे की रिकवरी का चांस होता है अगर 72 आवर्स के अंदर ही पुलिस एक्शन भी इनिशिएट हो पाए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो पाए जहां पर बेनिफिशियरी अकाउंट्स, जहां पर फ्रॉडस्टर ने पैसे दिए हुए हैं, एंड इसको भी रिकवर पैसे को किया जा सकता है। इसका भी पूरा एक लीगल प्रोसीजर ऑफ रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा जो पैसा आपके अकाउंट से जा चुका है उसकी रिकवरी करी जा सकती है वाया कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसीलिए बिल्कुल निराश मत होइए अगर आप विक्टिम हुए हैं ऐसे फ्रॉड के। अपने मन में ये बात लेकर बैठना, मैं विक्टिम हूँ फ्रॉड का और क्या करूँ क्या करूँ, ये पूरी सोच ही निकाल दीजिए। अगर आप विक्टिम हो चुके हैं, सबसे पहले पहले के 24 से 72 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आप जो एक्शन ले सकते हैं, बैंक को इन्फॉर्म करिए और ट्रांजैक्शंस रुकवाइए, कंप्लेन दर्ज करना, एडवोकेट एंगेज करना, पैसे की रिकवरी कराना, जितनी आप पैसे की रिकवरी करा सकते हैं उस दौरान में, और उसके बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग्स, क्योंकि डायरेक्टली आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बाद में मनी के रिकवरी के लिए, उसके लिए इमीडिएट एक्शन इनिशिएट करना ये बहुत जरूरी है। तो आप बिल्कुल हताश मत होइए अगर आप विक्टिम हैं। सबसे पहले हताश होना छोड़िए, एक्शन लेना शुरू करिए। सो इन सिंपल वर्ड्स, एज आई से, डोंट प्रोकास्टिनेट अबाउट द फैक्ट दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ अ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। टेक द सिचुएशन इन योर हैंड एंड टेक इमीडिएट एक्शन टू रिकवर योर मनी।